अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैक गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग की जो मैक्रो की कोडिंग होती है, हम उसको मैक्रो बटन के अंदर किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने आपको टैप शीट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करने का कोडिंग बताई थी। ठीक है, अगर मैं रिव्यू करूँ तो हमने सबसे पहले हार्ड कोड प्रोटेक्शन देखी थी कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी सारी टैप शीट जो है वो एक हार्ड कोड पासवर्ड से जो हम अपनी कोडिंग के अंदर डाल दें और वो उससे जो वो सारी शीट को प्रोटेक्ट कर दें, वो हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि वो जब आप बटन के ऊपर क्लिक करें तो आपसे पूछे कि आपको क्या पासवर्ड देना है। ठीक है, और उस पासवर्ड से सारी टैप शीट्स को जो प्रोटेक्ट कर दें। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने तीसरा आपको बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जितनी भी टैप शीट्स हैं वो सब अलग अलग पासवर्ड से प्रोटेक्ट हों और वो वन बाय वन उनसे पासवर्ड पूछता रहे, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको इनका जो माइक्रो बताया था कि आप इसका जो माइक्रो है वो आप बटन के अंदर किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको इनका रिवर्स बताया था कि अगर आपको जो है वो हार्ड कोड पासवर्ड को जो है वो अनप्रोटेक्ट करना है तो उसकी कोडिंग क्या होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपकी जो प्रोटेक्ट शीट है उनमें सब पे अलग अलग पासवर्ड लगे हुए हैं, कोडिंग क्या होगी। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो अगर आप चाहते हैं कि वन टाइम वो आपसे पासवर्ड पूछे और उससे सबको अनप्रोटेक्ट कर दे तो उसके लिए कोडिंग क्या होगी। ठीक है, और अब जो है वो मैं आपको उसी कोडिंग को जो है वो माइक्रो बटन के अंदर स्टोर करना सिखाऊंगा ताकि हम वन क्लिक पे जो है वो अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर लें और वन क्लिक पे जो है वो अनप्रोटेक्ट कर दें। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो अभी ये शीट जो है वो अनप्रोटेक्टेड है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्ट करने का मुझे ऑप्शन दे रहा था, उसका मतलब ये अनप्रोटेक्टेड है। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा शीट का रिव्यू दे देता हूँ कि मैंने आपको स्टूडेंट की इमेजेस लगानी सिखाई थी कमेंट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हमने स्कॉलर बार बनाया था, ठीक है, जो अभी एक्टिव है क्योंकि प्रोटेक्ट नहीं है शीट। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है वो फॉर्म यूज़ किए थे ताकि मैं फॉर्मूला जो है वो समझने में आसानी हो, जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वान्टिटी मल्टीप्लाई बाय अमाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, वरना नॉर्मली यहाँ पर B3 मल्टीप्लाई बाय C3 लिखा होता है, जो समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये सर्चेबल ड्रॉप डाउन बनाया था, जैसे अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये कंप्लीट लिस्ट आ रही है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इसमें से कंप्लीट लिस्ट ना आए बल्कि जो मैं सिर्फ कीवर्ड लिखूँ, ठीक है, उससे रिलेटेड सर्च आए, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको इमोजीज को यूज़ करना सिखाया था कि आप इमोजीज को जो अपने फार्मूलाज के अंदर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टेम्परेचर के हिसाब से इसको यूज़ किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मार्क्स के हिसाब से यूज़ किया हुआ है। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैंने मैक्रो बनाया था। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे पास बटन लगा हुआ है प्रोटेक्ट विद बन। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर जो कोडिंग डाली थी वो हार्ड कोड पासवर्ड डाला था। ठीक है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी सारी टैप शीट जो है वो एक सिंगल पासवर्ड से प्रोटेक्ट हो जाएंगी। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे रिव्यू पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी सारी टैप शीट जो है वो इस वक्त अनप्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि इनको प्रोटेक्ट कर दूँ पासवर्ड से, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने मैक्रो बनाया था मैं जस्ट इसके ऊपर जाके क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इसने थोड़ी सी लोडिंग ली और अब मैं रिव्यू पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी सारी टैप शीट्स जो है वो यहाँ पे प्रोटेक्ट हो चुकी हैं पासवर्ड से। ठीक है, अच्छा अब अगर मुझे इसको अनप्रोटेक्ट करना है तो अब अनप्रोटेक्ट करने के लिए मैं इसको वन बाय वन तो पासवर्ड नहीं दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि उसका भी मैं मैक्रो बना लूँ ताकि वन क्लिक पे मैंने जिस तरह से इसको प्रोटेक्ट किया उसी तरीके से मैं उसको वन क्लिक पे जो है वो अनप्रोटेक्ट कर दूँ। ठीक है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी कोडिंग इसकी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम हार्ड कोड जो है वो किस तरीके से कोडिंग अपने सिस्टम में जो है वो यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल में उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाके, तो अब जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप डेवलपर ऑप्शन में जाके उसको अगर यूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है, बार बार डेवलपर ऑप्शन में जाएं और उसमें कोडिंग पेस्ट करके उसको रन करें, तो हम किस तरीके से जो है वो उसको एक मैक्रो के बटन के अंदर स्टोर करा दें ताकि हर बार जो है वो हम लोग जस्ट वन क्लिक पर प्रोटेक्ट करें और वन क्लिक पर अनप्रोटेक्ट करें। तो सबसे पहले आप जो है वो उस कोडिंग को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, आप एक्सेल पर आएंगे, यहाँ पे आप व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे हम रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे। ठीक है, अच्छा इसका जो भी आपको नाम देना है वो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको अनप्रोटेक्ट ठीक है, मैंने इसको अनप्रोटेक्ट विद बन का नाम दे दिया। स्टोर जो है हम इसको पर्सनल में कराएंगे ताकि हमारी हर एक्सेल शीट के अंदर ये मौजूद हो। ठीक है, मैंने इसको ओके कर दिया। अच्छा, अब मैं कहीं पे भी क्लिक नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा और सिंपल इसको स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, अच्छा अगर आपने कहीं पे क्लिक कर दिया तो वो रिकॉर्डिंग जो है आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है, मुझे फिलहाल यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास कोडिंग तो ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं इसको डायरेक्टली स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, स्टॉप करने के बाद अब आप व्यू मैक्रोज में जाएंगे और यहाँ पर आके जो भी आपका नेम था उसको आप सर्च कर लें और ओपन कर लें। ठीक है, जैसे मेरा ये अनप्रोटेक्ट विद वन, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे स्टेप इन ऑफ में चला जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कोडिंग इसकी ओपन हो गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी इसकी कोई भी कोडिंग नहीं आ रही। अगर आपने यहाँ पे मैक्रो को स्टॉप करने से पहले कोई चीज़ सेलेक्ट कर ली या कहीं पे क्लिक कर दिया
ठीक है, तो वो यहाँ पे स्टेप्स उसके रिकॉर्ड हो चुके होंगे। तो अगर ये स्टेप्स रिकॉर्ड हो गए हैं तो आप उसको पहले रिमूव कर दें। ठीक है, आपके पास सिर्फ ये ऊपर वाली जो लाइन है ये लिखी होनी चाहिए और ये जो एंड सब है ये लिखा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मैं अपनी कोडिंग पे आ जाता हूँ जो मैंने कॉपी की थी। अच्छा यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो टॉप वाली लाइन है सब अनप्रोटेक्ट विद वन, ये मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी नहीं करूँगा। और ये जो एंड सब है ये लास्ट वाली लाइन ये भी लिखी हुई है तो मैं इसको भी कॉपी नहीं करूँगा। ठीक है, अच्छा ये जो ग्रीन से लिखा हुआ है ये हमारे पास टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो अगर ये लिखा हुआ भी है तो इसमें कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ नीचे से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल मैंने इसको पेस्ट किया और हम इसको सेव कर देंगे। अच्छा अनप्रोटेक्ट जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपने हार्ड कोड पासवर्ड दिया है। ठीक है, तो वो आपका पासवर्ड वही होना चाहिए जो आपने प्रोटेक्ट करते वक्त दिया था। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो आप जाके उसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे फिलहाल मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, और उसको मैंने और ओके कर दिया। ठीक है, मैं दोबारा व्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे जो मैंने प्रोटेक्ट का मैक्रो बनाया था उसको मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने उसमें पासवर्ड क्या दिया था। ये प्रोटेक्ट विद वन स्टेप इन ऑफ में गए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या पासवर्ड दिया है, 123। ठीक है, और वहाँ मैंने क्या दिया है, 12345 6। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ और वापस अपने अनप्रोटेक्ट वाले मैक्रो में जाता हूँ। ठीक है, स्टेप इन ऑफ पर जाएंगे और यहाँ पे मैं वही पासवर्ड लिख देता हूँ जो मैंने वहाँ लिखा था। ठीक है, ये मैंने इसको 123 कर दिया और मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसको मैंने ओके कर दिया। अच्छा ये मेरे पास सेव तो हो गया और यहाँ से आप इसको व्यू में जाके, ठीक है, और जहाँ से हम लोग स्टेप इन ऑफ में गए थे यहाँ पे आप क्लिक करके अगर इसको रन करेंगे तो ये आपका मैक्रो जो है वो रन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको यहाँ से रन ना करें बल्कि आप इसको एक बटन के अंदर स्टोर करा लें तो वो हम किस तरीके से करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे अपने रिबन के ऊपर, कस्टमाइज दिस रिबन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाएंगे मैक्रोज में, तो अपने जितने भी मैक्रोज क्रिएट किए हैं वो सब यहाँ पे आपके पास शो हो रहे होंगे। ठीक है, मेरे पास ये रहा अनप्रोटेक्ट विद वन। अच्छा अभी जो मैंने डाला था इसको अपने मैक्रो को कौन से टैब में डाला था, मैक्रो के टैब में डाला था, तो मैं मैक्रो के टैब पे ही आ जाता हूँ। अच्छा अगर आपके पास टैब्स नहीं बने हुए तो आप यहाँ से न्यू टैब क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको सेपरेट रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे न्यू टैब क्रिएट कर लें, उसमें प्रोटेक्ट शीट के नाम से उसको बना लें। ठीक है, मेरे पास क्योंकि मैक्रो उसका बना हुआ है तो मैं उसी के अंदर इसको ऐड कर रहा हूँ। ये मेरे पास न्यू ग्रुप था, ठीक है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट विद वन को ऐड किया था, तो मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके अपने जो मेरा मैक्रो था उसको मैंने सेलेक्ट किया और ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, सही नेम इसका इस तरीके से आ रहा है तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ रीनेम करके। कोई भी जो है वो एक आइकन दे सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे आइकन दे दिया और मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे मैक्रो के टैब पे आ जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये अनप्रोटेक्ट विद वन मेरे पास ऑप्शन आ गया है। अच्छा अगर मैं अभी रिव्यू पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, पासवर्ड मांग रहा है मुझसे, तो मैं उसको क्लोज करता हूँ, मैक्रो पे जाता हूँ और उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने थोड़ा सा टाइम लिया और अब मैं रिव्यू पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी शीट जो है वो अनप्रोटेक्टेड हो चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सारी शीट जो है वो प्रोटेक्ट का ऑप्शन दे रहा है, तो उसका मतलब ये सारी अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम लोग वन क्लिक के ऊपर इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये आपके पास प्रोटेक्ट कर रहा है कि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, और वन क्लिक किया या आपके पास अनप्रोटेक्ट हो गई। ठीक है, और पासवर्ड भी किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने पासवर्ड क्या रखा है क्योंकि आपने इसको हार्ड कोड किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।